अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल नंबर ब्यूटी फैशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप फर्स्ट ठीक होंगे, फाइन फैट मजे में होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हमेशा हंसता मुस्कुराता, सेहतमंद, तंदुरुस्त, चुस्त और बहुत खुश रखे, और आप हमेशा मेरी वीडियोस को इसी तरह इंजॉय करते रहें। फर्स्ट आज की वीडियो में आप एक बार फिर देख रहे हैं अपनी बेबीज के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से बेबी फ्रॉक्स डिज़ाइंस। सिंपल बेबी फ्रॉक्स हैं, बहुत ही ईजी मैथड के साथ आप इन्हें स्ट्रेच कर सकती हैं। इसके लिए कोई ख़ास फैब्रिक आपको नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फैब्रिक आपको नहीं चाहिए, कम फैब्रिक में भी आप बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग कर सकती हैं अपने बेबी के लिए। बहुत ही खूबसूरती से ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकती हैं, स्टिचिंग कर सकती हैं। स्टिचिंग अगर आप नहीं करना जानती तो आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग और स्टिचिंग हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसके ज़रिए आप सीख सकते हैं कि हमें अपने बेबी के लिए किस तरह का फैब्रिक लेना चाहिए, कितना फैब्रिक लेना चाहिए, किस तरह कटिंग करनी चाहिए और क्या स्टिच करना चाहिए। डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त ही हमारे चैनल पर मौजूद है, अलग अलग डिफरेंट सी फ्रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, समर विंटर, इसके अलावा फैंसी फ्रॉक्स भी जो है वो कटिंग और स्टिचिंग हमारे चैनल पे आपके लिए अपलोड की जाती है, ताकि हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से बहुत कुछ सीख सकें। और सीखने के साथ साथ व्यूअर्स आप हमारी वीडियोस को एंजॉय करें, क्योंकि लेटेस्ट और ज़बरदस्त कलेक्शन हमारी वीडियोस में आपके लिए है। हर वीडियो व्यूअर्स डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट डिज़ाइन के साथ होती है। आप जो वीडियो भी देखेंगे उसमें आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, नई सी डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त से ड्रेस देखने को मिलेंगे। तो फिर लास्ट तक वीडियो देखिए, मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, ज़बरदस्त सी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी सी बेबी फ्रॉक्स की डिज़ाइनिंग हमारे चैनल पर मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं अपने बेबी के लिए उस तरह के ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकती हैं, स्टिच कर सकती हैं ईजी मैथड के साथ, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फैब्रिक आप अपनी पसंद का चूज़ करें, पर फिर भी कोशिश किया करें कि ऐसा फैब्रिक लें जो आपकी बेबी के लिए कंफर्टेबल हो। इस तरह का फैब्रिक चूज़ करें जो कि प्रिंट के हिसाब से भी, फैब्रिक के हिसाब से भी बहुत ही प्यारा हो। ऐसे कलर्स लें जो आपके बेबी के बहुत ही खूबसूरत लगते हों, बेबी पे सूट करते हों। और माएँ ये बेहतर जानती हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा कलर बेस्ट है, किस तरह का फैब्रिक या किस तरह का जो है कलर्स हमारी बेबी पहन के बहुत प्यारी लगती है। ऐसी डिज़ाइनिंग हमें अपने बेबी के लिए करनी चाहिए और इस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। ये तमाम वर्ड्स आप जो है बहुत कुछ जो है हमारी वीडियो के ज़रिए भी सीख सकते हैं, और बहुत से आइडियाज़ जो हम आपको देते रहते हैं इनसे फ़ायदा उठाते हुए भी अपने बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेसिंग और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़बरदस्त सी ड्रेसिंग करें या बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करें, तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त से आइडियाज़ होंगे, बहुत कुछ आप के लिए मौजूद है, जो कि आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि हमें इस तरह के फैब्रिक से इस तरह का ड्रेस रेडी करना चाहिए, इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, ये चीज़ हमारी बेबी के लिए बेस्ट है। लॉन फैब्रिक लें, कॉटन फैब्रिक लें, लीलन ले लें, आप इस तरह से समर के लिए कोई ऐसा फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि व्यूअर्स ये फैब्रिक बहुत ही कम्फर्टेबल रहते हैं, आपके बेबी रिलैक्स होकर कैरी करते हैं। अगर आप इन्हें थोड़ी सी फैंसी लुक देना चाहती हैं तो आप प्लेन लॉन या प्रिंटेड लॉन के साथ आप नेट यूज़ कर सकती हैं। नेट व्यूअर्स वो लिया करें जो कि सॉफ्ट नेट हो, इस तरह की नेट लें, बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा हैवी सी कड़क सी नेट ना लें, इस तरह की सॉफ्ट सी नेट लें जिससे कि बेबी की फ्रॉक की लुक और खूबसूरत हो जाए। अगर आप प्रिंटेड फैब्रिक भी ले रही हैं और उस पर प्लेन नेट टच कर रही हैं तो बहुत प्यारी सी लुक आ जाएगी। आप जो है बॉडी पीस किसी और तरह का बना लें, अगर आपके पास चिकन फैब्रिक है तो आप वो ले लें, अगर आपके पास आपके ड्रेस से बचा कुछ एम्ब्रॉयडर्ड पीस है तो आप वो लेकर भी बॉडी पीस यूज़ कर सकती हैं, यानी बना सकती हैं। इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, और आप फ्लेयर्स वगैरह जो देना चाहें तो आप नेट की दे सकती हैं। आपके पास बहुत प्यारे प्यारे से मार्केट में जो कि रिबन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं वो यूज़ कर सकती हैं, चिकन लेस ले सकती हैं आप बेबी के लिए, शटर लेस ले सकती हैं, इस तरह की लेसें बेबी के लिए बेहतरीन होती हैं, ना कि बहुत ज़्यादा फैंसी हैवी और चुभने वाली लेसें लें। हमेशा आप कोशिश करें कि सॉफ्ट मटेरियल लें, सॉफ्ट चीज़ें लें, क्योंकि बेबी के ड्रेसेस सॉफ्ट चीज़ों से ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरह की चीज़ों से बेबी के ड्रेसेस की लुक भी बहुत प्यारी हो जाती है। अगर आप एम्ब्रॉयडरी भी यूज़ करते हैं तो एम्ब्रॉयडरी भी ऐसी यूज़ किया करें तो जो रेशम की एम्ब्रॉयडरी हो,
फूल की एम्ब्रॉयडरी हो या फिर थ्रेड कोई ऐसा जिसके स्टापल वगैरह इस तरह की किसी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हो, ना कि तिल्ला और डोरी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हो जो कि चुभने वाली हो, बेबी के लिए बहुत ज़्यादा तंग कंफर्टेबल ना हो, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली ऐसी चीज़ें ना लें। बहुत ही प्यारी प्यारी सी सॉफ्ट सी चीज़ें लें, मार्केट में आपको सॉफ्ट चीज़ें मिल जाएंगी, सॉफ्ट बोज मिलती हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, रिबन्स के फ्लावर्स मिलते हैं, रिबन मिलता है, रिबन से आप फ्लावर खुद भी रेडी कर सकती हैं, बो वगैरह रेडी कर सकती हैं, बेबी कॉलर्स मिलते हैं वो भी आप अटैच कर सकती हैं, स्टिकर्स मिलते हैं वो भी आप लगा सकती हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें मार्केट में आपको मिलेंगी जिनसे कि आप बहुत ही प्यारी सी लुक दे सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस रेडी कर सकती हैं। ड्रेसेस को रेडी करने के लिए जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, फैब्रिक आप अपनी पसंद का चूज़ कीजिए, पर हमारे वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिए कि किस तरह की क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए, किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, ये तमाम आप जान सकेंगे मेरी वीडियोस के ज़रिए। तो वेयर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सकें और आप मज़ेदार से मज़ीद वीडियोज़ भी इंजॉय कर सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन आप लोगों को दिया गया है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने कीमती राय से हमें आगाह कर सकते हैं किस तरह के वीडियोस, किस तरह का वर्क, किस तरह की ड्रेसिंग डिज़ाइनिंग आप ये सब पसंद करते हैं, ये तमाम आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी पसंद की वीडियोज़ लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ, ज़बरदस्त से आइडियाज़ और न्यूज़ की कलेक्शन आप तक पहुँचा सकूँ। इसी तरह व्यूअर्स, आपकी पसंद हमारे लिए इतनी अहमियत रखती है कि आप अगर हमसे कोई फरमाइश करते हैं तो हम जल्द से जल्द उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे वो सब्सक्राइबर जो हमसे फरमाइश करते हैं तकरीबन जानते होंगे कि उनकी फरमाइश को कितना पूरा किया जाता है। इसके अलावा जो सब्सक्राइबर्स की फरमाइश अभी रह गई है वो उनसे मैं माजरा चाहती हूँ कि हम असल में ऐसा होता है कि जो पहले वाले होते हैं उनकी फरमाइश को पूरा करते करते आपकी बारी में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपकी फरमाइश को भी पूरा किया जाएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, बहुत कीमती है और आप लोगों की बातें आप लोगों के जवाब देना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हम देते भी हैं बहुत से आंसर्स। तो व्यूअर्स कभी कभी उसके लिए भी हम लेट हो जाते हैं क्योंकि जैसे आप जानते हैं जितनी ज़िंदगी आपकी मसरूफ़ है व्यूअर्स इसी तरह हमारी भी थोड़ी सी मसरूफ़ तरीन होती है, कुछ रमज़ान है इस वजह से भी थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, तो इसलिए हम आपके लिए वीडियोज़ उस तरह से लेकर नहीं आते और आपके कमेंट्स आपके रिप्लाई हम पूरी तरह नहीं दे पाते, उसके लिए मैं आपसे माजरा चाहती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई खामी नज़र आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और खूबियाँ भी बयान कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमें लाइक करते हैं और हमें बहुत ही सारी जो दुआएं देते रहते हैं, हम आपके जो कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं उनमें आप हमारी जो वीडियोस की तारीफ़ करते हैं, हमारी ड्रेसेस की तारीफ़ करते हैं, इसके अलावा और जितना हमें आप याद रखते हैं सबके लिए व्यूअर्स आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का खलूस बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत अहमियत रखता है और बहुत ही काबिले एहतराम है। तो व्यूअर्स इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें, मेरी वीडियोस को इस तरह लाइक करते रहें, अपने प्यारों के साथ शेयर करते रहें ताकि आपके थ्रू दूसरे लोग भी मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहें। हमारा काम आप तक ज़बरदस्ती कलेक्शन पहुंचाना है और आपका काम भी आगे दूसरों तक हमारी डिज़ाइनिंग को पहुंचाना है। तो व्यूअर्स एक दूसरे की हेल्प करते जाइए, हम आपकी करते हैं, आप हमारी कीजिए, इंजॉय कीजिए खुद भी और दूसरों तक भी हमारी वीडियोज़ को पहुँचा कर, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को प्रमोट कीजिए, ज़बरदस्ती वीडियोज़ वॉच कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ व्यूअर्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और बेल आइकन जब आप प्रेस करें तो इस बात का ख्याल रखा करें कि बेल आइकन सिर्फ एक ही बार प्रेस हो, दोबारा प्रेस होने की सूरत में नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचते और इस तरह आप हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हासिल नहीं करेंगे तो वीडियोज़ को वॉच भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे वीडियोज़ को देखें इन्जॉय करें तो आप प्लीज़ बेल आइकन को एक ही बार प्रेस करें। इसी के साथ साथ जब आप बेल आइकन प्रेस करें तो अपने मोबाइल्स को चेक करें कि आपके मोबाइल से आपके मोबाइल के नोटिफिकेशंस ऑन हैं या नहीं। जब तक आप नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं करेंगी आप तक हमारे नोटिफिकेशन नहीं पहुँचते, इसलिए वर्ष ज़रूरी होता है कि आप अपने मोबाइल से नोटिफिकेशन को ऑन करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का वेट करें क्योंकि रोज़ाना आपके लिए कुछ नया हम अपलोड करते हैं। कभी ऐसा होता तो नहीं कि हमने वीडियो अपलोड ना की हो,
लेकिन व्यूअर्स, आप तक न्यू न्यू कलेक्शन, न्यू न्यू डिज़ाइन हम पहुंचाते रहते हैं। आई होप आप इंजॉय भी करते होंगे। इसी तरह इंजॉय करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने को बिल्कुल मत भूलिए। सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। आपके लिए मौजूद है ज़बरदस्ती कटिंग और स्टिचिंग, आपके बेबीज़ के लिए भी मौजूद है। आपकी बेबी के फ्रॉक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। इसके रिवर्स, अगर आप चाहते हैं ज़बरदस्ती टॉप, शर्ट्स, ब्लाउज़, प्लेटेड कुर्तीज़, टॉप वगैरह, तो इस तरह की तमाम कलेक्शन आपको मेरे चैनल पर मिलेगी जो कि कटिंग और स्टिचिंग है। तो आप सीख सकती हैं अपने लिए भी, अपने सिस्टर्स के लिए, अपने लिए, और ज़बरदस्त से कलेक्शन का फ़ायदा उठाइए, डिज़ाइन कीजिए ड्रेसेस को, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कितना कामयाब हुए। तो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, न्यू डिज़ाइंस, न्यू आइडियाज़, न्यू कलेक्शन के साथ। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ताकि प्यारी प्यारी सी वीडियोज़ लेकर मैं आपके साथ हाजिर होती रहूँ। और इसी तरह जब आप दुआएं करते रहेंगे तो अल्लाह ताला ना जाने किसकी दुआ कब कबूल कर ले और किसके हक में कौन सी दुआ कब कबूल हो जाए। तो इसीलिए कहती हूँ कि मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं किया करें ताकि आपके लिए मैं आप तक न्यू ट्रेंड्स पहुँचा सकूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिए, सबके लिए दुआएँ कीजिए। दुआ अच्छी बात है, मांगना और मांगते रहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।